अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही शानदार बेसन सूजी के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप बेसन लिया और एक कप हम सूजी लेंगे। बेसन और सूजी दोनों का बराबर मात्रा में लें। अगर आप कप से नाप रहे हैं तो कप से दोनों चीजों को बराबर लें, अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो फिर कटोरी से इसे बराबर ले लें। 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें घी और घी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और बेसन को हमने पहले से छान के रखा था, सूजी को भी हमने छान कर ही लिया है, तो आप भी दोनों चीजों को छान कर ही लें। तो 4 टेबल स्पून घी डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि बेसन और सूजी का इस तरह का लड्डू बनने लगा है। जब इस तरह का लड्डू बनने लगे तो समझिए कि अच्छी तरह मोहन लग गया है। अगर आपके बेसन और सूजी का इस तरह लड्डू नहीं बनता है तो फिर आप इसमें घी और डाल लें। तो घी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो 1 कप के करीब हमने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा सा हम दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। आटे को हम यहाँ बहुत ज्यादा कड़क या बहुत ज्यादा नरम नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे। तो हमने अच्छी तरह गूंद लिया है, ये देखिए, और आटे को हमने ना ज्यादा नरम रखा ना ज्यादा कड़क रखा है। और 1 कप दूध में से ये थोड़ा दूध बच भी गया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, इसके बाद हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। आटा अच्छी तरह सेट हो गया है, अब हम बनाएंगे इसकी लोई। लोई को हम यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे, तो इस तरह की छोटी छोटी लोइयां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह की गोल करेंगे और गोल करके हल्के हाथों से इसे इस तरह चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, तो इस तरह की ये सारी टिक्कियां बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने तेल को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम बड़े सावधानी से डालेंगे ये टिक्की। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा रखेंगे, मध्य फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि टिक्कियां थोड़ी सी मोटी है तो इन्हें पकने में अंदर तक टाइम लगेगा, तो ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगी। अगर हम इसे फुल फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये ऊपर से तो अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा आप गैस को मद्दा रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें। ठीक है, जब एक साइड से अच्छी तरह फ्राई होने लगी तो हमने इसे पलट दिया। ये देखिए, टिक्कियां जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने यहाँ थोड़ा सा मद्दा ही रखा था और मध्य फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई किया। आप देख सकते हैं कि टिक्कियां ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हैं और ये अंदर से भी अच्छे से पक गई हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारी टिक्कियों को हमने फ्राई कर लिया है। तो ये टिक्कियां जब थोड़ी ठंडी हो जाए तब इसे हम तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह की। अब ये टिक्कियों के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है। चलिए, तो अब इन्हें हम पीस लेते हैं और यहाँ आप थोड़ा थोड़ा डाल के इसे पीसें, एक बार में पूरा ना डालें। अगर एक बार में पूरा डालेंगे तो अच्छे से पिसेगा नहीं, तो इसे अब हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरह पीस लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब एक चम्मच से आप इस तरह से देख लें, अगर इसमें कोई मोटा पीस रहता है तो वो निकाल के आप फिर से पीस लें। चलिए, तो ये अच्छी तरह पिस गया है, अब हम बची हुई टिक्कियों को भी पीस लेंगे। तो इसे हम रखेंगे एक तरफ और ये जार लेंगे और इसमें हम घी डाल देंगे। एक पैन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे ये मिक्स ड्राई फ्रूट। तो इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, चिरौंजी है, ये सारी चीजों को हम डालकर और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट अच्छी तरह फ्राई हो गए, इसमें जो हमने किशमिश डाली थी वो भी अच्छी तरह फूलने लगी। ड्राई फ्रूट और घी ये हम डाल देंगे बेसन और सूजी में जो हमने पीस के रखी। बेसन और सूजी की टिक्की को आप बहुत ठंडा करके ना पीसे, हल्का सा वो गर्म रहे तभी आप इसे पीसे। तो अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा गर्म है और हमने घी भी गर्म डाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे बूरा, आप चाहें तो यहाँ चीनी को पीसकर चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे पास बूरा रखा था तो हमने सोचा यही डाल देते हैं। तो ये 1 कप डाल दिया, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 1.5 कप डालेंगे, तो 1 कप ने डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में घी इसमें थोड़ा सा कम है तो हम 2 से 3 टेबल स्पून घी को और गर्म कर लेते हैं। तो इसमें घी हम और डाल देते हैं। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि घी गर्म है, तो आप 1 चम्मच से इसे अच्छे से मिला लें। मिक्सचर को आप थोड़ा सा गर्म रखें, अगर ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनेंगे नहीं, तो आप यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा सा गर्म रखें। चलिए, तो ये सारी चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो साइज आप अपने हिसाब से देख लें, जितना बड़ा छोटा साइज आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लड्डू बना लें। तो लड्डू को हम यहाँ ना ज्यादा बड़ा रखेंगे और ना ज्यादा छोटा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह के लड्डू हम बनाते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह के लड्डू हम बनाते जाएंगे। आप इसे किसी भी त्योहार पर या फिर किसी भी ओकेजन पर बनाएं, ये बहुत ही मजे के लड्डू बनकर तैयार होते हैं और सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। दानेदार सुपर टेस्टी बेसन सूजी के लड्डू बनकर तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अगली एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।